कैसे हुआ ऐसा मुरीद? बेगम साहिबा सामने हैं, उनसे पूछ लीजिए, वो सच जानती हैं क्या हुआ और क्यों हुआ। ये सच तो मैं पता लगा कर रहूंगा। पुलिस आने वाली होगी, मेरे खिलाफ बयान दे के सारा खेल खत्म कर दीजिए, मैं इस हार को। वेलकम टू माई चैनल अपडेट्स अबाउट एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे कहूंगी कि बाकी बात बाद में करते हैं, क्यों ना आपसे एक छोटी सी फेवर ली जाए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल नमक हराम के एपिसोड 12 के बारे में। एपिसोड 12 में आप देखेंगे कि मुरीद अस्मा को सारी सच्चाई तो बता ही चुका है, अब मज़ीद वो अस्मा के सामने हथियार डाल देगा कि वो हार चुका है। सो अस्मा चाहे तो पुलिस को बयान दे सकती है कि मुरीद का सारा कसूर है और मुरीद ने ही अस्मा को मारने की कोशिश की है, हालांकि ऐसा नहीं होता। कमरे में आग तो इत्तफाकन लगती है, मुरीद की इसमें कोई गलती नहीं थी। उधर अरसल को पूरा यकीन है कि अस्मा को जो भी नुकसान हुआ है वो मुरीद की वजह से हुआ है। जो आग लगने का हादसा हुआ अरसल की नज़र में वो भी मुरीद का ही किया धरा है। अरसल पुलिस को भी लेकर आता है ताकि अस्मा बिना डरे अपना बयान दे सके, मगर अब अस्मा जान चुकी है कि मुरीद ने जो कुछ भी किया उसकी वजह क्या है और असल में कसूर इसके बाप का था। सो हो सकता है कि अस्मा मुरीद को बचा ले। तो ये थी आज की वीडियो। डियर व्यूअर्स, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी मजीद नई वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।